आईपीएल 2022 सीजन में मुंबई इंडियंस के 3 मैच अभी तक हो चुके हैं और तीनों में मुंबई को हार का सामना करना। बुधवार को भी केकेआर ने मुंबई को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। मैच में पैट कमिंस ने 14 बॉल पर 50 भी जड़ी। कमिंस की तारीफ करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने वड़ा पाव का जिक्र किया, जिससे रोहित शर्मा के फैंस भड़क गए। दरअसल सहवाग ने ट्वीट किया था, मुंह से निवाला छीन लिया, सॉरी वड़ा पाव छीन लिया। पैट, इस पर फैंस को लगा कि सहवाग ने रोहित को वड़ा पाव कहा। इस पर एक यूजर ने कहा, देखिए जो लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा को लोग वड़ा पाव क्यों कह रहे हैं, ट्विटर बहुत बेकार है। ट्विटर पर कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। उनको बता दूं, रोहित शर्मा को सबसे पहले वड़ा पाव वीरेंद्र सहवाग ने बोला क्रिसमस लाइव पर कि रोहित शर्मा वड़ा पाव जैसे दिख रहे हैं। फैंस के इस तरह रिएक्शन पर सहवाग ने भी जवाब दिया। उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि वड़ा पाव कहने का मतलब मुंबई से है, ये एक ऐसा शहर है जो वड़ा पाव के लिए फेमस है। रोहित के फैंस ठंडा, मैं रोहित की बैटिंग का आप लोगों से भी ज़्यादा बड़ा फैन। दरअसल टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव की 50 की बदौलत 4 विकेट पर 161 रन बनाए थे, जवाब में केकेआर ने 5 विकेट पर 162 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। केकेआर के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने आते ही धमाल मचा दिया। उन्होंने कोलकाता के लिए खेलते हुए 15 बॉल पर ताबड़तोड़ तरीके से 56 रन जड़े। साथ ही कमिंस ने 14 बॉल पर 50 लगाते हुए आईपीएल इतिहास की सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। इससे पहले केएल राहुल ने 14 गेंदों पर अर्धशतक जमाया था, जिनकी बराबरी कमिंस ने कर ली है। इस पारी के बाद फैंस काफी रोमांचित हुए और सोशल मीडिया पर रिएक्शन और मीम्स की बाढ़ आ गई। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।